हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो अभी हम लोग घूमने वाले हैं पोर्ट विलियर में एक्टिवा से। तो हम लोगों ने एक्टिवा हायर कर ली हुई है, इसकी जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है और हमें मिल चुकी है हमारी एक्टिवा। हमारे होटल के नीचे आकर खड़ी हो गई थी, तो बस अभी हनी इसको ड्राइव करने वाले हैं। हम लोग एक्चुअली पहले निकलने वाले थे, बट यहाँ पे क्या हुआ ना कि पानी तेज हो गया तो हम लोग नहीं निकले, तो अभी निकले हम लोग। तो चलो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो अभी हम लोगों ने भी चूज नहीं किया। चलते चलते गूगल करेंगे क्या जो पास। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं समुद्र का म्यूजियम देखने के लिए। हम लोग आए हैं, कैसा है क्या है हमने भी सिर्फ वीडियोस में देखा हुआ है, फोटोग्राफ में देखा हुआ है, अंदर से कैसा है देखते हैं। अंदर जाके कैमरा वगैरह कुछ रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता है, परमिशन है कि नहीं है। तो चलो अभी चलते हैं, हम यहाँ से एंट्री है तो हम पहले एंट्री कर लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं समुद्रिका म्यूजियम के अंदर। और बाहर से कुछ इस तरह से ये दिखता है, ये है मेन एंट्रेंस, और जैसे इंटर होंगे ना तो ये कुछ इस टाइप का दिख जाएगा आप लोगों को। और ये एंट्रेंस गेट के पास में ही ब्लू वेल ना उसका स्ट्रक्चर रखा हुआ है मिरर के अंदर। और ये है गार्डन, और इस गार्डन के अंदर भी जितने भी तोपे मिसाइल्स वगैरह जो भी थी ना वो सब कुछ रखा हुआ था। और आप इजिली पढ़ सकते हो उन चीज़ों को, डिस्क्रिप्शन के साथ में लिखा हुआ था तो आप इजिली हर चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। बहुत अच्छा लग रहा था घूम के कि सारी चीज़ों का नॉलेज हम लोगों को यहाँ से हो भी गया था। जो भी चीज़ें हम लोगों ने नहीं देखी थी ना वो भी सब कुछ देख लिया था यहाँ पर आकर। हम लोग म्यूजियम गए ना, सबसे बेस्ट तो ये था कि हम लोगों ने जो भी चीज़ें देखी हुई ना वो सब चीज़ें यहाँ पर थी ना, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद चलते हैं इक्वेरियम में, फ़िश इक्वेरियम में। तो यहाँ पर ना जितने भी टाइप की फ़िश वगैरह थी ना वो सब टाइप की फ़िश यहाँ पर देखने को मिली हम लोगों ने। क्यों मतलब ज़्यादा जो फिशेज थी ना, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत सारे फिशेज थे, कम कम क्वान्टिटी में थी, पर वो डिस्क्रिप्शन के साथ में थी ना तो और ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे स्टार फिश हो गया, कलर फिश हो गया, गोल्डन फिश हो गई, बटरफ्लाई फिश हो गई, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यहाँ पे फिश थी। तो मतलब मैं आज तक कभी फिश एक्वेरियम में नहीं गई हूँ जहाँ पे बहुत सारे फिशेज देखे, क्योंकि छोटे छोटे एक्वेरियम होते हैं उसमें इतनी सारी फिशेज नहीं होती हैं। इस वजह से मैंने ये जो एक्वेरियम था ना मैंने उसको देखा, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने आज तक जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई थी ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और इतनी सारी कलरफुल फिशेज को देखकर और अच्छा लग रहा। इसके बाद आगे हम लोग सेल रूम में, जितने भी इस टाइप के सेल होते हैं ना वो सब कुछ यहाँ पे नाम के साथ लिखा था, किस सेल की कितनी लाइफ होती है, कैसा क्या होता है, वो सब कुछ यहाँ पे ना इजीली मतलब पढ़ने के बाद सारी चीज़ें समझ में आ रही थी। और यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी सेल थे, जैसे कि मतलब आज तक अपन ने शंख टाइप में या शिप टाइप में देखे होंगे, बट यहाँ पे इतने टाइप के थे ना कि मतलब सोच ही नहीं सकते कि इतने टाइप के भी सेल होते। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखकर हर चीज़ को। मतलब म्यूजियम में आने का एक ये फ़ायदा ज़रूर हो गया कि हर चीज़ का नॉलेज हो गया, और जितनी भी चीज़ें आपने देखी हुई है ना उन सब का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा हुआ था ना, तो अगर आप चीज़ के बारे में नहीं भी जानती हो ना तो उसको पढ़ लोगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा। और इसके बाद आगे हैं कोरल वाले रूम में, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोरल्स रखे हुए हैं। और वैसे भी आप अंडमान निकोबार आए हो और आपने इतनी सारी चीज़ें देखी हुई, आइलैंड पे गए, समुद्र के अंदर भी गए और वहाँ पे सब चीज़ें देखी हुई, बट आप म्यूजियम नहीं आए हो ना तो फिर आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों ने बहुत एक अच्छी जो चीज़ थी ना वो मिस कर दी हुई है। तो अगर आप जिस भी जगह घूमने के लिए जाते हो अगर उसका म्यूजियम है उससे रिलेटेड चीज़ें वहाँ पर है तो आप लोग को मतलब जाना जरूर चाहिए। जैसे हम लोग भी ना गूगल किए, सबसे पहले म्यूजियम का नाम है, हम लोग इसीलिए म्यूजियम गए कि हम लोगों ने जो चीज़ें देखी हुई है ना उस चीज़ों को हम लोग को और देखने का मौका मिल रहा था और उनको और समझने का मौका मिल रहा, डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ाना तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। टाइप के भी हम लोगों ने एक्टिविटीज करते टाइम कोरल्स देखे थे ना, वो सारे टाइप के कोरल्स यहाँ पर दिख रहे हैं। पहले हम लोग भी जब देख रहे थे ना तो इतना समझ में नहीं आ रहा था, बट म्यूजियम में आने का हमारा ये रीजन था कि जो जो चीजें हमने समुद्र में देखी है ना वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखेंगे ना तो हमको और चीजों का और पता चलेगा कि क्या क्या था, हमने क्या क्या देखा हुआ है। तो यहाँ पे ना जितने भी टाइप के कोरल्स हैं, फिश है वगैरह है ना, वो सारी सब कुछ यहाँ पे नाम के साथ डिस्क्रिप्शन के साथ लिखी हुई है। जितने भी टाइप को मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोरल्स हैं सबके नाम वगैरह लिखा हुआ, मैंने सिर्फ कोरल्स पढ़ा हुआ था बट इतने टाइप के कोरल्स होते ये नहीं पढ़ा था। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अंडमान निकोबार एक बहुत बड़ा आइलैंड है, बट अंडमान निकोबार के अलावा भी यहाँ पे छोटे छोटे से आइलैंड्स बने हुए हैं। उन आइलैंड्स पे जाना अलाउड नहीं है क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उन लोगों को ना और लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता है, और वो थोड़े से ना खतरनाक टाइप के लोग होते, खतरनाक लाइक
मारधार टाइप के लोग नहीं होते, इस टाइप के होते, तो उन लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी है, तो यहाँ पर ना वो भी बताया हुआ है, तो वो भी सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगी। तो ये हट्स बनी हुई, तो इन हट्स में वो लोग कैसे रहते हैं, उन लोगों की लाइफ स्टाइल क्या है, उनका खान पान क्या है, वो लोग की कितनी पॉपुलेशन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं। तो हट कुछ अंदर से इस तरह से दिखती है, तो ये हट पूरी बनी हुई है आप लोग को दिखाऊँ तो। और इसके बाद यहाँ पर आ गए हम लोग, तो ये जितनी भी आप लोगों को देख रहे हैं ना, ये लाइफ स्टाइल है वो ओंगी के हैं। तो ओंगी के लोग कैसे रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के साथ मेंशन थी ना, तो और देखकर और समझ में भी आ रहा था। और हर चीज़ को बहुत अच्छे से यहाँ पर बनाया हुआ है, डमी पीसेस रखे हुए हैं, पोस्टर बनाए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। लाइफ स्टाइल ऑफ जरावा, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, वो सारी चीज़ें मेंशन की हुई। तो जितनी कास्टों के बारे में हम जानते हैं, उसके अलावा भी और बहुत से ऐसे कास्ट है जो कि हाइड हैं, उनको नहीं जानते, तो उन लोगों का भी यहाँ पर पढ़ने के बाद नॉलेज हो, उनकी पॉपुलेशन कितनी, 198 इससे समथिंग की उनकी पॉपुलेशन थी। और म्यूज़ियम के मतलब म्यूज़ियम के अंदर ही एक एक शॉप बनी हुई थी, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शो पीस वगैरह मिल रहे थे, लाइक सेल हो गया, कोरल्स हो गए हैं, कुछ जो भी जो कास्ट के लोग रहते हैं ना, उनकी डमी पीसेस वगैरह मिल रहे थे। अगर परचेस करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। तो और इसके बाद ये आ गए हम लोग गार्डन में, तो गार्डन एक बार अब जाते जाते मैं आप लोगों को और दिखा देती हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था इस गार्डन में घूमकर भी, और बारिश हो गई थी ना, और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो गार्डन कुछ इस तरह से है यहाँ का। तो बस हम लोगों ने अभी घूम लिया और अभी निकलते हैं दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि अभी पूरा पोर्ट ब्लेयर घूमना है। रोड क्रॉस कर ले, क्योंकि हमारी एक्टिवा जो है ना वो सामने की तरफ खड़ी है, वो रही एक्टिवा, तो हमें वहाँ तक जाना है। हम लोग आ चुके हैं एक पार्क में, तो देख सकते हैं पार्क और साइड में है बीच बना हुआ, तो आप लोग बीच में एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे ना अभी शाम में स्टार्ट हो रहा है मार्केट, और अभी मार्केट से ही आ रहे हैं, पर ये गार्डन वाला जो मार्केट है ना, ये इसकी तो बात ही कुछ और है, तो आ जाइए। तो फिलहाल पोर्ट ब्लेयर की गलियों में घूम रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो पार्क है वो देखा है, और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर कुछ है, हम लोगों ने लोकल लोगों से यहाँ से पूछा क्या है, तो वो बोल रहे हैं उस साइड कुछ नाम बताया, बट मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। जब मैं वहाँ जाऊँगी पढ़ूंगी तो मुझे क्लियर हो जाएगा। और हनी गए हैं एक्टिवा लेने के लिए, और एक्टिवा से हम लोग यहाँ घूम रहे हैं ना, तो काफी अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लोर कर पा रहे हैं हम लोग। और हनी आ चुके हैं, तो चलो अभी हम लोग गाड़ी से चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या है वहाँ पर। की गलियों में घूमने के साथ साथ हम लोग गार्डन में भी घूम रहे हैं। तो ये गार्डन है नेताजी सुभाष चंद्र जी के नाम का बना हुआ है, और बहुत अच्छा डेकोरम था। यहाँ के लोगों का जो नेचर था ना, बहुत स्वीट नेचर था, मतलब हर कोई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसा भी हो, शॉप वाला हो या ठेले वाला हो, सबका जो नेचर था ना वो एकदम पोलाइट था, और बहुत अच्छे से हर चीज़ का वो लोग जवाब दे रहे थे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब कोई घुमावदार जवाब नहीं था, जैसा जो पूछ रहे थे ना वो एकदम सही जवाब दे रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था घूमने के बाद। तो और हम लोगों ने ना पूरा पोर्ट विलियर घूम लिया, वो एक एक गली में जा जाकर हम लोगों ने देख लिया कैसा है क्या है वो सारी चीज़ें। और इसके बाद ना जैसे शाम हो गया ना, तो यहाँ पर आरती हो रही थी, तो हम लोग सोचे कि चलो मंदिर के पास से ही गुजर रहे तो चलते हैं। ये साउथ का मंदिर है, और यहाँ पे ना आई गेस मैं सही प्रोनाउंस करी है, हरिहर भगवान जी का मंदिर है। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, आरती भी ना साउथ इंडियन लैंग्वेज में हुई, तो मुझे आरती समझ में नहीं आती, पर जो भी आरती गाई थी पर बहुत मज़ा आ रहा था। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन वगैरह किए, घूमे, फिर बहुत अच्छा लग रहा था पोर्ट विलियर की गलियों में एक्टिवा से घूमते हुए। घूमते हम लोगों को भूख लगने लगी है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जितने स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक की जितने भी शॉप थी ना, खाने में ना सभी जगह सी फूड मिल रहे थे, तो उतना ज्यादा तो हम सी फूड नहीं खाते हैं, तो बट हम लोगों ने ना यहाँ पर हमको एक शॉप देखी जिसमें ना स्टीम मोमोज है, और लच्छा वेज रोल और लच्छा चिकन रोल है, तो हम लोग वेज रोल खा रहे हैं। और यहाँ पर टी रहे अंकल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं अंकल आप? लच्छा रोल हमारा बन रहा है, जब तक हम लोग यहाँ पर हमारी एक्टिवा जो हमने हायर की हुई है, तो हम यहाँ पर वेट करते हैं हमारे लच्छा वेज रोल का।
सो अभी आ चुके हम लोग रूम और पोर्च विलियर हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट घूम लिया हुआ है। काफी अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा पोर्च विलियर हमारे साथ घूमकर, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे नए जो भी आने वाले ब्लॉग्स हों आप लोगों को मिलते रहे। अगर आप लोग बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो मेरे कोई भी ब्लॉग आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो चलिए मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।